शाहपुर पुलिस ने चोरी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। गिरफ्तार अभियुक्तों में भोला मौर्या पुत्र रामवृक्ष मौर्या निवासी पीएसी कैंप थाना शाहपुर, करण राणा पुत्र पूरन राणा निवासी महद्दीपुर थाना कैंट व राहुल शर्मा पुत्र कमल किशोर शर्मा निवासी फॉलोअर कॉलोनी 26 बटालियन पीएसी थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर शामिल हैं। पुलिस ने गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से भारी मात्रा में घरेलू सामान जैसे फॉर्च्यून तेल, मिर्ची पाउडर, पैकेट मसाला इत्यादि, पीली कंगन, पीली धातु की नाक, कान व गले के आभूषण बरामद किए हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ क्राइम प्रवीण सिंह ने कहा, सीसीटीवी भी लगा है, दो मिनट खड़ा हो गया है। आइए, दो और पहले भी चोरी हो चुकी है। गोरखपुर वाले आ गए। रविंदर भाई मिर्चा तो वही नहीं है, 3.5 किलो के आसपास है। सर कहीं लूट में नहीं इसका इस्तेमाल हो रहा था? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो इनसे मतलब पूछताछ क्रम में क्लियर हो पाएगा। अभी इसमें मतलब और भी चीजें देखी जा रही है कि ये लोग तो मोबाइल वगैरह कहाँ बेच रहे हैं, क्या है इसमें निकल गए भी है उसका काम। सुपर मार्केट के पास सरयू किराना स्टोर लाइन के लिए बोल दीजिए। कल थाने को लगाया गया था जिसमें 3 साथी चोर जो भोला मौर्या, करण राणा और ये राहुल शर्मा जो शाहपुर थाना क्षेत्र और कैंट थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं, इन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। मुखबिर की सूचना पे जो भी जानकारी प्राप्त हुई, जब इनसे पूछताछ किया गया तो इन्होंने बताया कि बिछिया सुपर मार्केट के पास जो किराना दुकान में चोरी हुई थी, इसके अलावा अष्टभुजा ज्वेलर्स के यहाँ जो चोरी हुई थी, वो ये 2 चोरियाँ अभी तक इन लोगों ने कबूल की हैं। आगे ठीक जाँच की जा रही है और मतलब इसके अलावा ये चोरी का जो भी सामान मिला है, फॉर्च्यून तेल, मिर्च पाउडर वगैरह जो किराना दुकान से गया था, एवं ज्वेलर के दुकान से जो भी थी पीलू धातु के भी जो भी आभूषण गए थे उसमें से भी मतलब बरामदगी हुई है, जो आपके समक्ष है। सर क्या मोटिव था, किस तरह क्यों करते थे, किस तरह की चोरी करके क्या करते थे? अमूमन जो इनका कहना है कि जीविकोपार्जन और मतलब उसके अलावा अय्याशी के इनके इनके साधन थे, तो मतलब उसी की पूर्ति के लिए करते थे। एक इनकी गैंग है कुल मिलाकर 4-5 लोगों की, उस पर हम लोग आगे भी कार्य कर रहे हैं। विशेषकर ठीक शहर क्षेत्र में जो मोबाइल स्नैचर्स और जो चोरों का गिरोह, उस पर हम लोग की विशेष निगाह।